महाप्रभु अपने इस गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने दौड़ पड़े अन्य रूप का बहाना लेकर। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। लखनऊ के श्री जमुना दत्त पांडे जी बाबा जी महाराज के निष्ठावान भक्तों में से एक थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्धजनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुँह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुँचे। बार बार इस घटना का स्मरण होने से चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप ना तो ठीक ढंग से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए और ना सुचित्त हो भोजन प्रसाद ही पा सके। कारण पूछे जाने पर अपनी अस्वस्थता बता दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य इष्ट शम बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। रात को भी बिस्तरे पर करवटें बदलते रहे। हृदय में इस अत्यंत गहन गंभीर चोट के कारण जहाँ एक ओर इस अनहोनी पर सहसा विश्वास ना ला पा रहे थे, बाबा जी के प्रति निष्ठा भक्ति के कारण वहीं अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना ने मानो इनको बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया था। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र चैन ना मिल पाया, और चैन नहीं मन में तो नींद कहाँ आँखों में। उठकर बैठ गए जप करने पर कोई विश्राम ना मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया कि अगर यह सब सत्य नहीं है झूठ है तो भोर होने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन दे देंगे अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु पुनः जाप करने लगे, पर चित न जमा तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्मा बेला तक ना मालूम कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी के ना आने पर हताशा भी घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी बाबा जी की आवाज़ के साथ। जमुना पूर्व में जब भी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे, और इस बार जमुना उछल कर दरवाज़ा खोल बाहर आए तब तक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के कुछ सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसा पूर्व में कभी नहीं किया। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए और महाराज जी के बार बार उठ उठ कहने पर भी दो तीन मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु शम महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी, और तभी साथ में आए श्री उमादत्त शुक्ला जी बोले कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे, नवाबगंज पहुँचते पहुँचते कहने लगे कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें
जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट ना सह सके महाप्रभु अपने इस गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने दौड़ पड़े अन्य रूप का बहाना लेकर। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो